हम भारतीय और विशेष करके हम गुजराती और अहमदाबादी जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं या बिक्री की बात आती है तो बराबर तोल मोल का हिसाब लगाते हैं, एक एक पैसे का हिसाब लगाते हैं, घाटे और फायदे के रूप रंग बराबर चकासते हैं। जब हम एक छोटा सा बाइक भी खरीदने के लिए जाएं और बैंक से लोन ले जाएं तो 10 बैंकों में चक्कर काटेंगे, एक बैंक में 10-10 बार जाएंगे, और कम रेट से कम ब्याज दर से कौन लोन देगा उसका जरा हिसाब लगाते हैं। कोई बैंक 8% बताती होगी, कोई बैंक 9% बताती होगी, और फिर हम हिसाब लगाते होंगे, जोड़ तोड़ करते होंगे कि इतने परसेंटेज ब्याज से अगर मैं बाइक लाता हूं और जब बैंक को मैं ब्याज समेत पैसे लौटाऊंगा तब मेरे बाइक की कीमत क्या बनेगी, कितने साल में बनेगी, ये बहुत बारीकी से देखते हैं। बैंक वाला भी थक जाए उतनी बार बैंक के दरवाजे पर जाते हैं, जरा यार कम करो, 8% में नहीं बाइक ले सकता, 9% में ले सकता, थोड़ा कम करो, 0.5% भी कोई कम कर दे तो खुशी मनाते हैं। ये हम भली भांति जानते हैं और अहमदाबादी तो शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए दोस्तों, कोई ऐसा दोस्त, ऐसी बैंक नहीं मिल सकती जैसे भारत को अबे शान जैसा दोस्त मिला है, दोस्त जापान जैसा दोस्त मिला। अगर कोई ये कहे कि बिना ब्याज के ही लोन ले लो और 10-20 नहीं 50 साल में चुकाना, तो कोई यकीन करेगा क्या? लोगों को ऐसा बैंक नहीं मिलते, लेकिन भारत को ऐसा दोस्त मिला है जिसने बुलेट ट्रेन के लिए 88,000 करोड़ रुपया, 88,000 करोड़ रुपीज सिर्फ 0.1% ब्याज दर से ये बुलेट ट्रेन के लिए पैसा देने का फैसला किया।